अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हैं यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे। आज मैं आपको मसूर और मूंग की दाल बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने आधा कप ये लिया, आधा कप मूंग की दाल का लिया। इसको अच्छी तरह धो लेते हैं। तो मैंने आधी पतीली पानी की यानी तकरीबन 6 गिलास पानी की मैंने डाल दिए। एक दो टमाटर को ग्राइंडर कर लिया, 4 सब्ज़ मिर्च ले ली, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब इसके अंदर जाएंगे। जब तक पानी पकता है हम दाल धो लेते हैं। ये भी चीज़ें डाल देंगे सारे अंदर। तो मैं दाल धो दो तीन फिर पहले देखें, पानी हमारा पकना शुरू हो गया। ऐसा ऐसा अब दाल धो ली मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी के साथ। अब दाल डाल के इसको हल्की आग पे 15-20 मिनट इसको हलाएंगे, हम पकाएंगे हल्की आग। तो 15-20 मिनट के बाद फिर देखेंगे हमारी दाल ठीक है, फिर मिलते हैं। देखा जी, 20 मिनट से 25 मिनट हो गए हमारी दाल माशाल्लाह देखो गल गई सारी। अभी भी मैंने नीचे आग रखी हुई है इसके हल्की, जब तक ये 5 मिनट और होती है। 1 कप मैंने तेल लेके गर्म रख दिए। तो सबसे पहले ये ज़ीरा डालेंगे इसके बघार के लिए दाल की, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे साथ ही। थोड़ा सा ये फ्राई होता है, फिर डालेंगे प्याज और लहसुन, उसको बिरी बिरी काटा हुआ मैंने। ये देखिए हमारे 2-3 मिनट हो गए, हमारा ज़ीरा भी कड़ी पत्ता भी हो गया। अब ये प्याज जो किया था मैंने बिरी बिरी और लहसुन अदरक नहीं डाला, बस लहसुन, ये दोनों चीज़ें इसको फ्राई करते हैं, लाइट ब्राउन करेंगे। इसको भी 5 मिनट तो लगेंगे होने को, जब तक फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारा तुड़का तैयार हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे, आधा आधा रखेंगे ऊपर से जाने के लिए। इसी तरह से आप मिक्स करके इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तड़का मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मसाला डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स। अब सारा डाल के अब डिश आउट करके आपको बताते हैं। ये देखें हमारी दाल पक के तैयार होगी। मसूर की दाल और मूंग की दाल दोनों हमें मिक्स करके बनाई थी, साथ मैंने सलाद बनाया, साथ चावल उबाले हैं। तो दाल चावल तो पाकिस्तान की मशहूर डिश है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, और बताया भी करें कैसे लगी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगली नई वीडियो मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।